This is Vinay Pandey. Students, academic lectures में जो सबसे पहला मैंने chapter शुरू किया था वो था arithmetic progression. और arithmetic progression में मैंने आपको बताया था कि किसी भी sequence और arithmetic progression में क्या difference होता है. किसी भी arithmetic progression में first term की बात करें तो first term a से represent होता है और d को हमने क्या बोला था, common difference. तो अगर फर्स्ट टर्म हमको ए दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी दिया है, तो एपी कैसे निकालेंगे हम? सीक्वेंस जो बनेगा वो बनेगा ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, इस तरीके से. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए की वैल्यू टू है, डी की वैल्यू थ्री है, तो एपी क्या होगी? टू. सेकेंड टर्म टू प्लस थ्री फाइव, थर्ड टर्म फाइव प्लस थ्री एट एंड सो ऑन. अब देखिए, अगर सेकेंड टर्म की बात करें तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए टू से. ए टू कैसे निकलेगा? ए प्लस कॉमन डिफरेंस. थर्ड टर्म हमको निकालना है तो इसमें डी और एड कर देंगे, ए प्लस डी प्लस डी, ए प्लस टू डी. फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस थ्री डी. और ऐसे ही करते करते अगर हमको कोई जनरल टर्म निकालना है, कोई एनएच टर्म हमको निकालना है, तो यहां अगर फोर है तो यहां क्या आ रहा है? थ्री. तो यहां n है तो यहां क्या आएगा? n माइनस वन इंटू डी. तो ये फॉर्मूला हो गया किसका? किसी भी एपी के जनरल टर्म निकालने का. जैसे आपको 25th टर्म निकालना है तो n की जगह पे कितना हो जाएगा? 25. इसी सीक्वेंस का अगर आपको 10th टर्म निकालना है तो उसका मतलब a 10 आपको निकालना है. तो इस फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी. ए 10 इज इक्वल टू a कितना है फर्स्ट टर्म, प्लस 9 इंटू डी कितना है इसका डिफरेंस 3. इसको सॉल्व करके आपको क्या मिल जाएगा? इसका 10th टर्म. तो ये तो जनरल टर्म हो गया अगर आपको स्टार्टिंग से निकालना है. अगर आपको किसी सीक्वेंस का पीछे से आगे के टर्म को निकालना है, लास्ट से कोई टर्म निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है लास्ट टर्म. जैसे लास्ट से आपको 10th टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी. तो यहां स्टार्टिंग से अगर आपको निकालना तो यहां फर्स्ट टर्म आएगा, और अगर आपको लास्ट से निकालना तो यहां पे लास्ट टर्म आएगा माइनस एन माइनस वन इंटू डी. एंड जो टर्म आपको निकालना है डी, क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस. द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ द एपी इज द सम ऑफ द फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 52. इसका जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? ए 5 से. और सेवेंथ टर्म को किससे डिनोट करेंगे? ए 7 से. इन दोनों का सम कितना है? 52. और इसका 10th टर्म आपको दिया हुआ है कितना? 46. ए 5 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी. और ए 7 का ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 52. और 10th टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 46. ए प्लस ए 2a, 6d प्लस 4d प्लस 6d कितना हो जाएगा? 10d इज इक्वल टू 52. और a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46. टू कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल कर लेते हैं. a प्लस 5d, टू कॉमन आकर के इसको कैंसिल करेगा तो 26. एंड a प्लस 9d इज इक्वल टू 46. ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको a और d की वैल्यू निकालनी. a प्लस 5d 26, a प्लस 9d 46. दोनों को माइनस कर लेते हैं, a एंड a कैंसिल आउट. माइनस 4d, इससे इसको माइनस करेंगे तो 0, 20. तो d कितना आ जाएगा? 5. और d की वैल्यू 5 यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस 5d, 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 26. सो a इज इक्वल टू 1. तो हमको क्या निकालनी है? एपी. एपी कैसे निकालते हैं? एपी क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म a, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे 1 प्लस 5 6, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 11, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 11 प्लस 5 16 एंड सो ऑन. तो आपको फिफ्थ और सेवेंथ टर्म का सम दिया था 52, उससे एक इक्वेशन बनी. 10th टर्म दिया था, उससे एक इक्वेशन बनी. उसको सॉल्व करके a और d निकाला, और फिर उससे हमने क्या निकाल ली? एपी. जो हमको एपी निकालनी. द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको दी है, विल बी माइनस 77.
इस एपी में -77 इसका कौन सा टर्म होगा आपको निकालना है। जैसे इसका सेकंड टर्म क्या है -7, थर्ड टर्म क्या है -12, ऐसे कौन सा टर्म इसका -77 होगा। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो विच टर्म वाला और एक क्वेश्चन होता है हाउ मेनी टर्म्स। दोनों टाइप के क्वेश्चन में आपको एन की ही वैल्यू निकालनी है, एन ही फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप देखिए ए कितना है -2 एंड डी -7 -2, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, -7 +2 कितना हो जाएगा -5। अब इसके बाद जो भी टर्म आपको बताना है कि ये कौन सा टर्म होगा इसका, तो ये जो टर्म है इसको हम मान लेते हैं an, लेट an इज इक्वल टू -77। आपको निकालना क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी है, n, an इज इक्वल टू -77। an का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -77। a -2 एन माइनस वन डी इज -5 इज इक्वल टू -77। -2 -5 एन और ये क्या हो जाएगा +5 -77 कितना हो जाएगा प्लस का 3 उधर जाकर के हो जाएगा माइनस का 3 -77 -3 तो -5 एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -80 -- कैंसिल आउट एन इज इक्वल टू 80/5 सो एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। यानी कि इस एपी में जो 16th टर्म आएगा, 16th टर्म होगा वो क्या होगा -77। ठीक है, तो अगर आपको विच टर्म बोल रहा है तब भी आपको एन निकालना है और हाउ मेनी टर्म्स बोल रहा है तब भी आपको क्या निकालना है एन फाइंड आउट। अगला न्यूमेरिकल है इफ एन इज इक्वल टू 5 -11 एन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी निकालना है आपको, डी कैसे निकलता है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे इसमें तो कितना आएगा ए 1 यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आएगा 5 -11 इंटू 1 5 -11 -6। एन की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें तो कितना आएगा ए 2 5 -11 इंटू 2 5 -22 और 5 -22 कितना हो जाएगा माइनस का 17। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म इज -17 फर्स्ट टर्म इज -6 -17 +6 -17 +6 कितना हो जाएगा -11। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा माइनस। तो क्या किया हमने इसमें एन की वैल्यू 1 रखी तो फर्स्ट टर्म मिला, एन की वैल्यू 2 रखी तो सेकेंड टर्म मिला और सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा इस एपी का कॉमन डिफरेंस। स्टूडेंट्स मैंने nth टर्म का आपको फॉर्मूला बताया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इस पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए, तो इसी पे बेस में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूं। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज विच टर्म ऑफ द एपी, मैंने आपसे बोला विच टर्म का है या फिर हाउ मेनी टर्म्स का है, दोनों केसेस में आपको क्या निकालना है इसमें एन ए कितना है 21 डी कितना हो जाएगा 18 -21 यानी कि -3 और जीरो क्या होगा इसका nth टर्म, तो इसको सॉल्व करके आपको n निकालना है। फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8। 200 और 500 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 8 से डिवाइड होंगे, तो पहला नंबर जो 8 से डिवाइड होगा वो होगा 208, फिर 216 और इसे लास्ट टर्म इसका होगा 496। तो हाउ मेनी इंटीजर्स यानी कि आपको n निकालना है, a कितना है 208 और d कितना है 8 और ये क्या हो जाएगा इसका nth टर्म। तो इस nth टर्म का फॉर्मूला लगा करके ये वैल्यू रख करके आपको n निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी दिस, ये लास्ट टर्म इसका n से निकालने का फॉर्मूला था l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, एल कितना है 254 माइनस 10th टर्म बोल रहे हैं तो 10 माइनस 1 और d कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 5। इसको सॉल्व कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 420, विच टर्म यानी कि फिर से आपको n निकालना है a 21 और d भी इसको माइनस करके कितना आएगा 21 और an हो जाएगा 420। आप इन न्यूमेरिकल्स को कीजिए और एपी के अगले टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स इसके अगले
वीडियो में हम देखेंगे कि आगे हमको किस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने हैं, हमको सम कैसे निकालना है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो।